गुड इवनिंग, कल अमोनिया डेरिवेटिव हुआ था ना। अब देखो अमोनिया डेरिवेटिव में हमने ऑक्साइम का फॉर्मेशन देखा था। तो ऑक्साइम का एक रिएक्शन होता है, उसे भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब ये रिएक्शन ऑक्साइम का है लेकिन अब कार्बोनिल कंपाउंड में बना है, इसलिए यहीं पे पढ़ लेते हैं। अब देखो ऑक्साइम को अगर H प्लस और ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है R1CO NHR और R2CO NHR। मतलब ये आपका ऑक्साइम है और यहां पे आपको एमाइड मिल रहा है। अब मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। मैकेनिज्म में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि कौन सा R1 जाएगा या R2 जाएगा। R1C R2 COH और यहां पे H प्लस है। तो ये OH इस H प्लस को एक्सेप्ट करता है। R1C R2 C डबल बॉन्ड N OH2 प्लस और यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। यहां से R1 भी माइग्रेट कर सकता है, यहां से R2 भी माइग्रेट कर सकता है। तो ये
एच प्लस का यहां से लॉस और यहां से आर वन आर टू का माइग्रेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट माइग्रेट वो करेगा जो ओ एच का अपोजिट होगा। यहां पे मैंने ओ एच को जनरल रखा है, जब मैं आपको स्ट्रक्चर देके बताऊंगा तो वहां पर आपको हमेशा याद रखना आर ग्रुप अपोजिट ऑफ ओ एच माइग्रेट। तो यहां से दोनों बन सकता है, फिलहाल मैं आपको यहां पे R1 वाला माइग्रेट करके दिखला रहा हूं, तो R2 यहां पे आ जाएगा C प्लस, यहां पे आ जाएगा N और यहां पे आ जाएगा R2। अभी C पॉजिटिव पे ये जो वाटर लॉस होकर निकला है वो वापस अटैक करेगा, तो R2 C OH डबल बॉन्ड N R2 और कीटो एनल टोटोमेटिज्म होगा यहाँ पे। थोड़ी मैंने यहाँ पे R1 माइग्रेट किया था, मैंने इसको माइग्रेट करके दिखलाया था, तो यहाँ पे टोटोमेटिज्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा R2 CO NH R1। अगर R2 माइग्रेट करता तो फिर यहाँ पे R1 होता और यहाँ पे R2 होता। अच्छा मैं ऑडियो कंट्रोल दे देता हूँ, इसको बोलना बोलेगा। हो गया सबका? लिखो लिखो लिखो। ये तो हो गया। अब देखो यहां पे मैंने एनटी वाला जो पॉइंट बताया था उसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा हुआ है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एच सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं एच प्लस हीट, बोलो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? सी एच थ्री सी एस थ्री एच सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एस थ्री बनेगा। और यहां पे अगर ऐसा लिखाओ सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, ऐसा भी स्ट्रक्चर लिखा हो सकता है। और यहां पे अगर कोई लिखता है एच प्लस हीट, तो अब ओ एच का अगेंस्ट में एच है तो यहां पे लिखेंगे सी एस थ्री CO NH2। हाँ अब यहां पे H माइग्रेट करेगा इसमें, बिल्कुल सही। तो बस इतना ही इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। या अगर यहां पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है EZ यहीं पे लिखा हुआ है, पहले जरा इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं बताता हूं। सर ये जो प्रोटोमेरिज्म होता है कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर OH ग्रुप आ गया तो टोटोमेरिज्म हो जाएगा। OH है तो वहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, वहां पे डबल बॉन्ड वो लगा देंगे और अल्फा वाले कार्बन पे पोजीशन पे हाइड्रोजन दे देंगे। हो गया?
अब देखो अगर OH नॉर्मल लिखा हुआ है बट साथ में यहां पे ऐसा लिखा हुआ ENZ फॉर्म, मतलब आपको यहां पे दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिया गया, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा। तो अगर आपके पास जो ऑक्साइम है वो ई और जेड दोनों फॉर्म है तो फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर स्ट्रक्चर में दिखलाया गया तो स्ट्रक्चर से आर ग्रुप माइग्रेट करो, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे के दिया गया है तो कुछ भी माइग्रेट कर सकते। हो गया ठीक है, चलो when carbonyl compound without alpha H react with concentrated solution of alkali disproportion of disproportion of carbonyl group take place. That is formation of alcohol and salt of carboxylic acid take place. जैसे आपके पास बेंजल्डिहाइड है और इसको अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH2OH मिलेगा। और यहां पे CO माइनस Na प्लस मिलेगा।
ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो यहां से यहां जाने में रिड्यूस हुआ है और यहां से यहां जाने में ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। बाकी दोनों बनाए सेमी कंपाउंड का, तो सेम कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक हो गया? ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। ये मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। यहां से OH माइनस अटैक कराया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या बना, O माइनस, और ये स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल स्टेप होता है, O माइनस H, और यहां पे आया OH। ये आपका स्टेप वन है, स्टेप वन जो है ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है। अब स्टेप टू जो है ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, PHCO- H OH। गुड इवनिंग एच, यहां पे आया। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज है जब ये रिवर्ट बैक होता है यहां पे, तो यहां से एच जो है वो एच माइनस के फॉर्म में इस पे अटैक होता है और ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एच माइनस है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहां पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एच माइनस, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पीएच सी डबल, दिख रहा है बच्चे लोग ये, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये बन गया पीएच, दूसरा वाला मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन है एक और हाइड्रोजन आ गया और ये बॉन्ड टूट के क्या हो गया, ओ माइनस, तो सी एच टू ओ माइनस। अब बताओ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड कभी भी एच प्लस लॉस नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, तो वापस इससे अपना हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो गया इसमें पेज रुक रुक के क्यों चल रहा, और नीचे जगह है क्या, लिख सकता हूं मैं,
ठीक है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ फिर, तो यहां से क्या बन जाएगा, पीएच सीओ माइनस पीएच सीएच टू ओएच। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब कैनिजारो रिएक्शन होगा तो कैनिजारो रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट बनता है, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। कोई बोलेगा बेंजोइक एसिड बनेगा, तो नहीं बनेगा, हमेशा यहाँ पे बेंजोएट आयन बनता है। फॉर्मिक एसिड अगर फॉर्मल डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, फॉर्मेट आयन बनेगा। अल्कोहल आप बनाओ लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाओ, यहाँ पे हमेशा सॉल्ट बनता है, बस इस पॉइंट का ध्यान रखना। बिकॉज हाँ, यहाँ पे कोई अगर प्रोटोलिसिस कर दे यहाँ पे कोई प्रोटोलिसिस कर दे तो यहाँ पे फिर एसिड बन जाएगा, लेकिन विदाउट प्रोटोलिसिस तो यहाँ पे हमेशा सॉल्ट ही रहेगा। हो गया ठीक है। प्रोडक्ट लिखना है इनका, जो इनका प्रोडक्ट लिखो।
ठीक है, क्वेश्चन करो, मैं बताता हूं। हो गया बच्चे लोग, पवन स्नेहा हो गया, ठीक है। अब देखो हमें प्रोडक्ट लिखना है यहां पे, तो फॉर्मल्डिहाइड है और कंसेंट्रेटेड एनएओएच है, तो यहां पे क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एच सीओ माइनस एन ए प्लस, और अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सी एस थ्री ओ एच। यही आंसर लिखे हो ना, अब नेक्स्ट देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एच की जगह बस वही सी एस थ्री आ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट लिखने का तरीका वही है, एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो ये थोड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जरा इसे याद रखना। हाँ, अब इसमें देखो बाकी इसमें कोई अल्फा एच नहीं था, नो अल्फा एच, इसमें भी कोई अल्फा एच नहीं है, और कनिजारो रिएक्शन हमेशा विदाउट अल्फा एच ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा एच है, तो ये ऐसा एक्सेप्शन सिंगल कंपाउंड है जो अल्फा एच होते हुए भी कनिजारो रिएक्शन देता है ड्यू टू एस्टेरिक एस्ट्रेन, यहां से ये एच एसिडिक के फॉर्म में रिलीज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना कि डाइमिथाइल वाला जो होगा ये आपको कैनिजारो रिएक्शन देता है, तो ये आपका एक्सेप्शन है कि अल्फा एच होते हुए भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है ड्यू टू एस्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू एस्टेरिक रीजन लिख लो। तो क्या जाएगा, सी एस थ्री होल टू, बाकी प्रोडक्ट लिखने में कोई चेंजेस नहीं है, वो वैसे ही हम लिखेंगे। प्लस सी एच थ्री होल टू सी एच सी एच टू ओ एच, यहां तक हो गया सबका। अब देखो यहां पे अभी तक हमने एक मॉलिक्यूल पे लिखा, यहां पे दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है,
तो इनको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो बोलते हैं या इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो बोलते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इंटर मॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो में क्या हमें पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। कार्बोनिल कार्बन कंटेनिंग हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल सा रूल ये है। और दुनिया में जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें अगर एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होगा। मतलब एक यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज्ड ही होगा, HCO माइनस, बिकॉज इसके कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और वैसे भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे बेंजल्डिहाइड से क्या बनेगा, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बिकॉज इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन। तो पहला ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया। तो नीचे वाले का बताओ, और यहां पे एक रुको, यहां पे एक ये NO2 होगा, नीचे वाले का बताओ कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा। बच्चा लोग समझ में आया, अरुंधति पीयूष प्रभात क्या समझ में नहीं आया प्रभात? सर कैसे कैसे बन रहा है कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कैसे बन रहा है, पूरा मैकेनिज्म समझाया मैं तब से क्या बोल रहा हूँ। जिस कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उस एल्डिहाइड को एसिड के फॉर्म में लिखो, और जिस एल्डिहाइड अगर एक ही एल्डिहाइड है तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यही तो है डिफरेंस है, बाकी क्या कॉमन है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो एक मॉलिक्यूल को एसिड के फॉर्म में लिखना है और दूसरे मॉलिक्यूल को अल्कोहल के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ये पार्ट तो सेम ही है सब में, देख ले सब में सेम ही है, बस एल्डिहाइड यहाँ पे एसिड के फॉर्म में, यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म में। इस वाले में ये एल्डिहाइड देख यहाँ पे एसिड के फॉर्म में, यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म में, कुछ करना ही नहीं है। एक मॉलिक्यूल को एसिड लिखना है, एक मॉलिक्यूल को अल्कोहल लिखना है। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल आ गए तो जिस कार्बन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो एसिड के फॉर्म में और दूसरा जिसके पास है वो अल्कोहल के फॉर्म में, बस इतना ही तो है। अब इस रिएक्शन में लास्ट वाले रिएक्शन में देख कौन से कार्बन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे NO2 है कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये माइनस सेम इफेक्ट लगाएगा, और माइनस सेम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है। तो मॉलिक्यूल वन और मॉलिक्यूल टू कौन ऑक्सीडाइज होगा, वन टू टू होगा, माइनस सेम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज कर ले, तो मतलब CHO को क्या लिखना है, CO माइनस के फॉर्म में लिखना है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज ही नहीं होगा। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल के फॉर्म में लिखो, कुछ समझ में आया? ये सर अब समझ में,
जरा क्वेश्चन लिखो, मैं बताता हूँ प्रोडक्ट। चलो ये भी आपका इंटरमोलिकुलर ही है, बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा यहां पे CH2OH होगा, बोलो वन और टू कौन ऑक्सीडाइज होगा। टू क्यों? प्लस आई इफेक्ट, यहां पे प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पे वो नहीं होगा सर, प्लस एच इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, ज्यादा बेटर डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एच विद रिस्पेक्ट टू प्लस आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। So, पहला वाला मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH2OH और यहां पे क्या आएगा, CH3। दूसरा वाला यहां पे आ जाएगा CH2OH और यहां पे CH3 तो है ही। अब यहां पे एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो दो एल्डिहाइड है, इन दोनों एल्डिहाइड बिल्कुल सिमेट्रिक है, कहीं भी कुछ करो फर्क नहीं पड़ता है, तो एक से क्या बन जाएगा, एक से बन जाएगा एसिड और दूसरे से क्या बनेगा, अल्कोहल। अब यहां पे NO2 है, बोलो यहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई माइनस एम और यहां पे क्या लगेगा, आई माइनस आई। NO2 अपने ऑर्थो और मेटा पे मेजोमेरिक लिखाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, और मेटा पे लगाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। तो माइनस एम लग रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ये बन जाएगा, और यहां पे CHO है, बोलो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। अब क्लोरीन प्लस आई कब से लगाता है, माइनस आई, माइनस आई माइनस आई
यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई, कहां पे ज्यादा लगेगा माइनस आई? मेटा वाले पे, मेटा वाले पे, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये वाला कहां जाएगा? सीओ माइनस एन ए प्लस के प्लस के एच डाला इस पर, और ये कहां जाएगा? सी एच टू ओ एच, और यहां पे क्या आ जाएगा? सी एल। समझ में आया? तो तीन तरीके का रिएक्शन आएगा कैनेजारों में, एक तो जो खुद के साथ कर रहा है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर जो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा है। हो गया ठीक। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन का एक भाई है, ट्रिस्टेंको रिएक्शन, ये भी वही कंपाउंड रिएक्शन देता है जो कैनिजारो रिएक्शन देता है। बस ये है कि एक स्टेप ये आगे जाता है। बताओ तो कैनिजारो का प्रोडक्ट क्या बना था? एसिड एंड अल्कोहल बना था ना। अब अगर एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन कर ले तो क्या बनता है? एसिड और अल्कोहल अगर आपस में रिएक्शन कर ले तो क्या बनता है? कीटोन बनेगा सर। क्या बनेगा? कीटोन, एस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल बनता है एस्टर। तो ट्रिस्टेंको रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड को एस्टर तक छोड़ के आएगा। तो लिखेगा इट इज गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड having no alpha H. It is given by carbonyl compound having no alpha H. Next point. When carbonyl compound when a carbonyl compound without alpha H react with aluminium isopropoxide when carbonyl compound without alpha H react with aluminium isopropoxide formation of ester take place
मतलब ऐसा सोचो कि एक में एसिड बना और दूसरे ने अल्कोहल बनाया और दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, एस्टर बना लिया। बाकी ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के एग्जाम। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, ये हुआ, यहाँ पे भी CH2OH हुआ। रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो जैसे उसमें बनाया था वैसे ही है। अब देखो IIT ने इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक इस पे दो था।
जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, क्या बनेगा? क्या आंसर होगा आप लोगों का? डी सी देखो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, अभी मैंने क्या बोला था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगा तो यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, तो मैंने बोला था एस्टर बनेगा, और एस्टर के हिसाब से देखा जाए तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बिकॉज इनमें सब में एक ही चीज हो रहा, ना तो रिडक्शन है तो सबका रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है तो सबका ऑक्सीडेशन है। अब क्वेश्चन है सी और डी। अब देखो यहाँ पे दो लॉजिक एक साथ लगेगा, एक तो टिस्टेनको रिएक्शन में कि एस्टर बनने के पहले पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, एसिड और अल्कोहल, पहला पॉइंट। और दूसरा, जब आप एसिड और अल्कोहल बनाते हो, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे यहाँ पे एक बात याद रखो कि बाई फिनाइल के केस में अगर कभी भी ऑर्थो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप यहां पे आ गया तो ये रिंग क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। मतलब एक बेंजीन रिंग ऐसे होगा तो एक बेंजीन रिंग ऐसे होगा, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये या तो YZ में होगा या ZX प्लेन में होगा। बस समझ में आ रहा है, ये इसका जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में है ये दोनों, तो अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया तो फिर इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट ये बन नहीं पाएगा अगर दोनों एक अलग अलग प्लेन में हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया पवन? तो अगर बाईफिनाइल नहीं होता, दो साइक्लोहेक्सेन होता तो फिर डी आंसर होता, लेकिन बाईफिनाइल है, इसमें रिंग फ्लिप होता है ड्यू टू ऑर्थो पोजीशन, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। नोट नहीं किए थे अभी, कर क्या रहा था, जल्दी नोट करो। नहीं, हम चारों ऑप्शन नहीं किए, मुझे ऐसे आंसर बस लेके। हो गया सर, नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन।
जस्ट कहने जा रहा हूं का उल्टा है, ये वो कार्बोनिल कंपाउंड देगा जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। और ऐसा क्यों? सो अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंजुगेट बेस। सो कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन when react with dilute alkali formation of beta hydroxyaldehyde take place। फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड टेक प्लेस। Which on hitting produces alpha beta unsaturated carbonyl compound। अब देखो वहां पे लिखते थे कंसंट्रेटेड NaOH या 50%, यहां पे हम लिखते हैं 1% NaOH और डाइल्यूट NaOH लिखते हैं। ये प्रोडक्ट लिखते हैं और हिट करने पे
CH3CH डबल बॉन्ड CH CH लिखेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन की कंपाउंड। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन ये एसिडिक है, तो बेस के प्रेजेंस में यहां पे बनता है CH2 - COH। तो ये CH2- है, ये अब क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो ये नेगेटिव इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? CH3 CHO- और इस पे क्या अटैच हो जाएगा? CH2 COH। ठीक है, और यहां पे जो OH माइनस है साथ में क्या प्रोड्यूस किया होता है? यहां पे वाटर। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया था? वाटर। ये वाटर आके यहां पे आपके ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे जाएगा, तो CH3CH OH CH2 COH। और जब यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म चलता है, तो ये रहा आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये रहा आपका माइनस एम। तो अगर कभी भी बीटा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप हो और अल्फा पोजीशन पे माइनस एम ग्रुप अटैच्ड हो तो वहां पे E1CB मैकेनिज्म चलता है, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है? बीटा अल्फा वाले से जाता है हाइड्रोजन, ये अल्फा पे था, तो यहां से ये लॉस होगा और यहां से ये हाइड्रोजन का लॉस होगा, तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो बना था ये क्या था? बीटा हाइड्रोक्सी
हो गया। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट लिखने के लिए उसी पॉइंट का ध्यान रखना कि आपको अल्फा बीटा अनसे सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाना है, और अगर हीट दिया है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनाना है। बाकी आपके पास हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 CHO है, और यहाँ पे NaOH है, तो ये रहा अल्फा पोजीशन। तो पहले आप प्रोडक्ट लिखो, फिर मैं बताता हूँ। लिखे इसका प्रोडक्ट लिखें।
हो गया अब चलो तो पहले वाले में हमें क्या करना है, बस अरेंज करना है। देखो कैसे करना है, तो एक के कार्बोनिल ग्रुप को दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन के सामने, अल्फा कार्बन के सामने अरेंज करो। और अरेंज करने के बाद इनको यहां से अगर हीट नहीं दिया है तो हमें OH लिखना है और यहां से एक H को गायब करना है। तो जो जो नया पॉइंट है वो मैं दिख रहा हूं, यहां पे एक बॉन्ड बनेगा और ये क्या जाएगा, OH के फॉर्म में जाएगा। दूसरे वाले में CH3CO, CH3 है, दूसरे का अल्फा कार्बन है COCH3। तो यहां आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बनाना है और यहां पे OH ऐड करना है। नेक्स्ट वाले में भी वही करना है, आपका कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे का अल्फा कार्बन आमने सामने लाओ। अल्फा कार्बन और कार्बोनिल में कनेक्ट करो और यहां पे OH लगाओ। कोई बोलता है हीट डालने पे क्या होगा, तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फिर से। बस अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा पोजीशन जो था ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, इनके बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड बना दो और O को हटा दो। यहां पे PHC डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट लिखा था आप लोगों ने। अबे तुझे हमेशा समझ में क्या नहीं आता प्रभात, क्या दिक्कत हुआ बता। कैसे लिख रहे तू, समझ में नहीं आया। तू रहता कहाँ है जब मैं समझाता हूँ, तब क्यों नहीं बोलता समझ में नहीं आया। देख फिर से देख, कार्बोनिल कर के रिस्पेक्ट में जो अल्फा है उससे अटैक करना है। किस पे अटैक करना है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक करना। तो ये रहा पहला मॉलिक्यूल और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, इसके अल्फा से इसके कार्बोनिल पे अटैक किया तो जो कार्बोनिल ग्रुप था वो OH में कन्वर्ट हो गया
और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हट के वहां से सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर से दूसरा रिएक्शन देख, ये रहा आपकी तरह पहला मॉलिक्यूल और ये रहा उसका कार्बोनिल कार्बन और ये रहा उसका अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन और कार्बोनिल के बीच में सिंगल बॉन्ड बना और सी डबल बॉन्ड को कन्वर्ट हो गया OH में। ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा अल्फा। अल्फा से अटैक होगा कहाँ पे, कार्बोनिल पे, और कार्बोनिल वाला ग्रुप OH में जाएगा और वो बन जाएगा बीटा। और अगर इसको हिट किया तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड। PlCOCH3, ये रहा तेरा पहला मॉलिक्यूल, ये रहा तेरा दूसरा मॉलिक्यूल, ये रहा तेरा अल्फा पोजीशन और ये रहा तेरा बीटा पोजीशन। अल्फा से अटैक होगा दूसरे वाले के कार्बोनिल में तो वो OH में कन्वर्ट हुआ। अब यहां से हिट करेगा तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तू दोबारा पढ़ रहा है ये टॉपिक, पहले भी एक बार पढ़ चुका है। ये सब समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, जब रिएक्शन होता है तो इस कार्बन को देखो, अभी ये कार्बन क्या है, एक आयरल है, और यहां पे ये कार्बन क्या हो गया, काइरल हो गया, और ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, काइरल है। तो अगर कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो काइरल कार्बन है और स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है क्या, नहीं, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है। तो कोई बोलेगा यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेगा, तो देख एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक होता है, जैसे मैं यहाँ पे पिछले वाले एग्जांपल पे चलता हूं, पहला मॉलिक्यूल से कार्बन बना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन है ये sp2 है और sp2 जो होता है वो प्लैनर होता है, तो एवब द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों साइड से रिएक्शन होगा। तो अगर कहीं पे काइरल कार्बन बना, जैसे यहां भी काइरल कार्बन बना ये वाला, तो बोलेंगे यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा समझ नहीं आता तो हीट कर दो, हीट करने के क्या बाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा और जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा वहां पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक डबल बॉन्ड पे दो प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, यही ठीक है। हीट करने तो हीट करने पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख लो। अब यहाँ पे कोई बोलेगा दो काइरल कार्बन है तो क्या चार बनेगा, नहीं चार नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से अटैक हो रहा है। तो ये अगर अल्फा में मान लो अगर ये आर फॉर्म है तो यहाँ पे आर या एस बनेगा, और अगर ये एस है तो फिर ये तब भी आर या एस ही बनेगा, तो आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, एक दूसरे का जैसा नहीं होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे दो प्रोडक्ट। जैसे मान लो अगर ये आर है तो दूसरा वाला आर हो सकता है, और अगर ये आर है तो दूसरा वाला एस बन सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे डायस्ट्रियोमर्स का क्रिएशन होगा। तो अगर एक ही कंपाउंड है पवन, क्या हुआ नहीं लिखे हो, कौन सर, नहीं नहीं कुछ 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 बोला था क्या सर, सिमेट्री होगा फिर क्या करेंगे, सिमेट्री होगा तो उसके इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, जैसे मान लो काइरल कार्बन नहीं आएगा, काइरल कार्बन नहीं आएगा तो फिर मतलब एक ही काउंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन ये देख लेते हैं, सिमेट्रिक लेकिन नहीं आ पाएगा ना, देखो यहाँ पे CH3COH है, अब अगर यहाँ पे करते हैं शायद यहाँ भी आ ही जाएगा, यहाँ भी आई गए, तो ये कार्बन जो है
काइरल है, यहाँ पे R और S दोनों बनेगा, इस कार्बन पे नहीं है। तो ये वाले से फर्क, जिससे अटैक होता है इस कार्बन से अटैक हुआ था, तो जिस कार्बन से अटैक होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पे अटैक होता है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे R और S दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे रहता R या S जो भी रहता तब भी यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट बनता। तो जब भी एक बार एल्डोल रिएक्शन होता है तो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आइदर ड्यू टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और आइदर ड्यू टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बाकी सिमेट्री आएगा नहीं, बिकॉज दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक एंड पे हमेशा कार्बोनिल रहेगा और एक एंड पे जो हमेशा रहेगा OH रहेगा, तो कभी सिमेट्री आने नहीं देगा ये। यस सर, हमेशा नॉन सिमेट्रिक रहेगा। अब जैसे एसीटोन वाला केस था, वो देख लो यहाँ पे एसीटोन के केस में क्या होगा, हीट के साथ लिखते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पे कोई बोलेगा प्रोडक्ट कितना, तो अल्डिहाइड के केस में कभी भी सिमेट्री नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कीटोन के केस में सिमेट्री आ सकता है अगर सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो। तो जैसे देखो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब यहाँ पे अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या काउंट करोगे, वन प्रोडक्ट ही काउंट करोगे। तो पॉइंट क्या हमें नोट डाउन करना है कि अल्डिहाइड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी हमने क्रॉस की बात नहीं किया है, अभी हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर का बात नहीं किया, केवल हम नॉर्मल एल्डोल कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ अल्डिहाइड टू प्रोडक्ट फॉर्म, और दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। एंड इन केस ऑफ कीटोन टू प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब एसिमेट्रिक होगा और वन प्रोडक्ट जब सिमेट्रिक होगा। तो एक प्रोडक्ट भी बन सकता है और दो प्रोडक्ट भी बन सकता है कीटोन के केस में। समझ में आया पवन? अगर यहां पे CH3 के जगह पे अगर यहां पे C2H5 होता तो एक CH3 के जगह पे एक C2H5 आता तो यहां भी दो प्रोडक्ट बन जाता। तो अगर आपका कीटोन सिमेट्रिकल है तो एक प्रोडक्ट और एसिमेट्रिक है तो दो प्रोडक्ट। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, काफी आज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। समझ लेके कुछ और कुछ तो करता नहीं है।